हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। मेरी अम्मी का नहीं यार, दुआ करें मेरी अम्मी की। आज थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो डाउन है, तो दुआ कीजिएगा इनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए तो ये फिर से एक्टिव हो जाएंगी। जैसे ये एक्टिव होती है ना रोज, वैसे ही हो जाएंगी। आज वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं समा सुनील की लव स्टोरी। समा जब अपने हस्बैंड के साथ उनकी मतलब जब उनकी शादी हुई तो ससुराल में उनका, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की है तो वो एक हिंदू मतलब जब फैमिली में गई तो उनका पहला दिन कैसा था, क्या हुआ उनके साथ, वो सारा डिटेल में हमें बताएंगी। मजा आएगा। प्लीज वीडियो के एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की चलिए। सो हे गाइस, मैं हूं समा खान, आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है मेरी कुछ फीलिंग्स पे, मेरी उन फीलिंग्स पे जो मैं पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रही थी। मेरे ससुराल का पहला दिन, मतलब जब फेरे हुए, शादी वादी हुई और मैं कार में बैठ के विदा होके वहां पहुंची, तो मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या फील किया अपने अंदर, क्या क्या देखा पहली बार, वो मैं आपको बताऊं। तो जैसा कि पहले पार्ट में आपने देखा, मैं लखनऊ से विदा होके गोरखपुर की तरफ निकली और गोरखपुर पहुंची। एक मुस्लिम लड़की अपने हिंदू ससुराल पहली बार जा रही थी, तो वहां कार में पहुंचते ही मेरी बुआ सास, मेरी सासू माँ, मेरी नन, मेरी भाभियां सबने मिलके बहुत ही अच्छी पूजा पाठ से मेरा स्वागत किया था और आपने देखा था। उसके बाद जब मैं कार से उतर रही थी, इतना ज्यादा वो लंबा घूंघट था कि मैं बाहर ही नहीं आ पा रही थी पिछले 2 मिनट तक कार से, और सुनील हाथ पकड़ के निकालने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। मेरी नंद भी आ गई मेरे पास और वो भी मेरी साड़ियाँ संभाल रही है, मेरी हील्स देख रही है और प्रॉपर उतारने की कोशिश करी। फाइनली 2 मिनट बाद मैं कार से बाहर निकल आई हूँ। उसके बाद ये कोई डलिया वाला रिवाज था, मैं इसे बैलेंस वाला रिवाज बोल रही थी बिकॉज हमें डलियों पे बैलेंस करना था। तो फर्स्ट सुनील थे, उसके पीछे पीछे मैं भी। सुनील तो बहुत लुढ़क रहे थे, बहुत ज्यादा लुढ़क रहे थे, आप देख सकते हो पूरी डलियाँ लुढ़की जा रही थी। अब मैं कैसे इसे बैलेंस करूंगी सोच ही रही थी, बट मैंने अपना बैलेंस बनाए रखा और बहुत अच्छे से बैलेंस किया। उसके बाद हम पहुंचे दरवाजे पर जहाँ पे रखा हुआ था कलश, जिसको हल्के से पैर मार के और मुझे गिराना था, तो मैंने ट्राई किया बहुत अच्छे से, हल्के से पैर मारा आप देख सकते हैं। और उसके बाद मेरी भाभी ने मुझे तिलक लगाया, वापस से पूजा हुई। कार की पूजा के बाद भी दोबारा घर पे भी, बिल्कुल घर की दहलीज पे भी पूजा होती है, शायद टीका वीका लगा के चावल छिड़के जाते हैं। फिर एक बड़ी सी थाल में आलता था, उसमें मुझे दोनों पैर के साथ खड़ा कर दिया गया और मुझे चल के अपने पैरों के निशान छोड़ने थे। ऐसा कहते हैं लक्ष्मी जी आती हैं बहू के रूप में, तो जब भी आपने सुना होगा लक्ष्मी जी के पैर बनते हैं घर में आते हुए, तो ये रिवाज भी शायद इसलिए होता होगा। तो अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो देखना है हमारा फर्स्ट पार्ट, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाएं और फर्स्ट पार्ट को एंजॉय करें डिटेल में। चलिए इसके आगे का वीडियो देखते हैं। तो उसके बाद मेरी सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले जा रही है। अब मैं सोच रही हूँ चलो फाइनली अब मैं कमरे में जाऊंगी, अब मुझे आराम मिलेगा, ये तो हो गया ना। पर वो एक मंदिर में ले गई मुझे, जो हमारे घर के अंदर ही मंदिर बना हुआ था। और फिर वहां जाने के बाद जो अम्मा थी हमारी, उन्होंने बोला कि कुछ मिट्टी के बने हुए थे, उन्हें कुल देवता बोलते हैं, वो मुझे पहली बार पता चला, मेरी सासू माँ ने बताया। तो सर टेको यहाँ पे, पूजा करो इनकी, ये सब चीजें उन्होंने कराई मुझे, तो ये सब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था और मैंने वो बहुत अच्छे से किया। कुल देवता हिंदुओं में ही होते हैं, जिनके खुद के कुल देवता होते हैं, ये अलग अलग भी होते हैं। मतलब जैसे सुनील की फैमिली शर्मा है तो उनके कुल देवता अलग होंगे, किसी वर्मा की फैमिली होगी, किसी चौहान की फैमिली होगी, सबके कुल देवता अलग अलग होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। वो चीज मुझे पहली बार पता चली। इधर देख भी लेना, बाद में कहने की पूरा चल गया। अरे इधर इधर देख लो, सब हो गया, मुझे लगा चलो पूजा पाठ भी हो गए, फाइनली मैं जाऊंगी। भूख भी लग रही है, 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो, मुझे सुला दो, कुछ तो कर दो। फिर पता चला
कि वो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म होगी, तो मैंने कहा अभी होगी, मुझे तो लगा था कभी शाम वाम को होगी उठ के, क्योंकि सीरियल्स में ऐसे ही देखा है मैंने, तो मैंने कहा अच्छा ये भी अभी होगी, तो मुझे उसके लिए थोड़ी सी खुशी थी शायद क्योंकि मैंने वो देख रखा था, तो मैं खुश हो गई। और फिर मैंने कैसे अंगूठी ढूंढी आप फुटेज में देखिए कि क्या हुआ। अरे ला भैया जा निकाल दे, जा निकाल दे चाची तुम जगह जा दिखे देखना कौन आ जाएंगे उनका हाँ उजाले में था उजाले में आई थी दिखता था नहीं बच्चा अंधेरा हो रहा है यहाँ पे चलो फिर नहीं करो चीटी ने चीटी ने चाची पांच बार होता है ना दूसरी बार चाची ने बोली तो देखा आपने उस अंगूठी का जो खेल था उसमें मैं जीती थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हो रही थी और मुझे चेयर्स कर रहे थे लोग चाची जीतेंगे तो चाचा जीतेंगे और फिर मैं जीत गई तो सब बहुत खुश भी हुए। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर की लड़की हूँ वो चाहते थे मेरे चाचा ही जीते, ऐसा नहीं है। मैं जब जीती तो सब खुश हुए मेरे लिए और बोला अरे चाची हुक्म चलाएंगी चाचा पे। और एग्जैक्टली यही हो रहा है, मुझे लग रहा है वो रस्में बिल्कुल सही होती है, जो जीतता है वो दूसरे पे हुकूमत करता है और मैं सुनील पे प्रॉपर हुकूमत कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रस्में ना बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जब नई लड़की आती है ना तो उसे कंफर्टेबल करने के लिए या उसे खुश फील कराने के लिए गेम्स खिलाते होंगे ताकि उसे लगे ऐसा कि ये मेरा घर है और मेरे साथ भी लोग हैं और गेम्स खेल रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन आ जाता है। वहां से मुझे भी कंफर्ट जोन आना शुरू हो गया था कि हाँ ये लोग चेयर कर रहे हैं चाची चाची और फिर खुश हो रहे हैं मेरे लिए, तो मैं कंफर्टेबल हो गई। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि लड़कियों के लिए शायद ये गेम्स जो हैं जो बनाए गए हैं ये इसलिए गेम्स नहीं रस्म और रिवाज जो भी हैं तो ये इसीलिए शायद है कि नई लड़की आए तो उसे कैसे कंफर्टेबल आप करोगे, इतनी जल्दी वो घुल मिल नहीं पाएगी, दो चार दिन दस दिन एक महीना लगेगा उसे। बट ये जो रस्में होती हैं जब आप कर रहे होते हो उस टाइम पे आप बिल्कुल घुल मिल जाते हो पूरी फैमिली से और बिल्कुल कनेक्शन फील करते हो फैमिलीज के साथ। तो उसके अभी तीन बार दो बार और तो मेरे जीतने के बाद मुझे लगा चलो अब तो मैं जाऊं आराम करने, मतलब मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है ना खत्म करो अब जाऊं खत्म करो, क्योंकि चक्कर आ रहे थे लिटरली चक्कर आ रहे थे। फिर पता चला कि सुनील हार गए हैं इसलिए उन्हें मेरे लिए कोई शायरी या गाना गाना पड़ेगा। सब पीछे से बैकग्राउंड से बोल रहे हैं नहीं चाचा शायरी सुनाओ गाना सुनाओ। सुनील ने बोला नहीं मुझे शायरी तो नहीं आती पर मैं गाना सुनाऊंगा, जो गाना शायद सुनील को बहुत पसंद भी था मेरे लिए, वो गाते भी थे भले वो सिंगर नहीं है अच्छे आवाज नहीं है उनकी अच्छी पर वो सुनाते थे मुझे। तो वो उन्होंने गाना गाया उसके बाद सबने बोला नहीं चाची भी सुनाएंगी, तो ये बोले नहीं नहीं चाची तो बहुत अच्छा गा लेती है, तो फिर मैंने भी गाना सुनाया। तो आइए दिखाते हैं आपको सुनील का गाना और मेरा गाना। आपका भी जरूरत है ना हमारा चीटिंग बजे भाई सब सुने जाम के पांच हो गया तीन चार हुआ ना पांच लाइन हंसने के ना रेडी चीटिंग में एक दो तीन जग झूमिया जग झूमिया थार जैसा ना कोई जग झूमिया तार जैसा ना कोई। थैंक यू सुनाए अजय गाना सुनाता हूँ ये गाना सुनाता हूँ अजय सुनो सुनो मुझ में तू
तू ही तू बसा नैनों में जैसे ख्वाब सा। चाची सुनाएंगी ना? जितने खुशी में अच्छी गाना तुम सुनाओ। चलो नाक नहीं कटवाना है, सुनाओ। जितने नहीं देना है, लेडीज का नाक मत कटवाइएगा। चलिए रेडी रही तो करिए, बड़ी नाक कटी कर बनाइए। चाची हां यदि करा ये जीते के शांति शांति। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा सब तेरा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, बस तेरी हो चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। तो देखा आपने, शब्द सही से आपको सुनाई नहीं दिया होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज वो हैंडीकैम से बनाया गया था उस टाइम पे, इतने अच्छे शायद फोन नहीं थे 7-8 साल पहले हमारे पास, क्वालिटी थी, अब हम ब्लॉगिंग के लिए सोच भी नहीं रहे थे। तो हमारा जो जेठ का बेटा था स्वतंत्र, उसने ही हैंडीकैम से सारे फुटेजेस लिए थे, तो आज हमारे काम आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी क्वालिटी खराब है, आवाज कम है। तो सुनील ने मेरे लिए गाना गाया था, मुझ में तो तू ही तो बसा, ये गाया। फिर सुनील ने दूसरा गाना गाया, जग झूमिया थर जैसा। जग घूमिया है पर सुनील ने गाया जग झूमिया। तो उसके बाद वो जब मुझे बोला गया तो मैंने सोचा कि मैं कौन सा गाऊंगी, मैं कौन सा गाऊं। जब तक ये गाने गा रहे मैं सोच रही हूँ कौन सा गाऊं कौन सा गाऊं, क्योंकि एक हिंदू मुस्लिम कपल है तो कौन सा गाना सब फिट हो जाएगा। तो फिर मैंने गाया, मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। तो मैंने ये गाया, सबको बहुत पसंद आया था। उसके बाद हुई दरवाजा छिकाई, जिसे बोलते हैं, हमें निकल के रूम में जाने नहीं दे रही थी हमारी नंद, और बोल रही नहीं 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 हमें पैसे चाहिए, गिफ्ट चाहिए। तो ये कैशलेस बंदा, क्योंकि ये जूता चुराई देके एकदम खाली हो गया। अब मुझे मुंह दिखाई या समथिंग समथिंग मिला था वॉलेट में, तो ये बोल रहे हैं मुझसे तुम दे दो, मैं तुम्हें ATM से निकाल के बाद दूंगा। फिर मैंने अपना वॉलेट खोला, इनको पकड़ाया 500 के नोट, फिर उन्होंने अपनी बहन को दिए, और फिर हमें वो दरवाजा हटा, मतलब वो लोग हटे और हम जा पाए। दे चाहिए, दे दीजिए। अरे आ, अभी नहीं दूंगा। अम्मा पैसा दे, बक्सा खोलो, चाचा बक्सा खोलो, बक्सा निकालो निकालो निकालो। ऐसे करेंगे चाची से, आप दीजिए। अरे दिया, आप दे दीजिए, आप कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे टेंशन मत ले, मैंने बोला तक देंगे, लौटा दीजिएगा। क्या अच्छा भाई, तू गुलाबी वाली भगवान नहीं, ये भी मजा नहीं आ रहा है। अब दो हो गया रे, तो देख तो दो हो गया। चाचा दे दो, दो गांधी चाचा, एक रुपया है भाई, एक रुपया चेंज हो, सिक्का दे दो। मेरे पास है अम्मा, तेरे पास है देखा। तो मैं सोचा अब क्या होगा, मैं इंतजार कर रही हूँ, अब भी कुछ करा लो यार, अब भी कुछ करा लो। फिर पता चला फाइनली सब हो गया और मुझे लेटने ले जा रहे हैं। ऐसा मतलब मेरा एक्सप्रेशन है क्या, सच में खत्म हो गया, सच में जाऊँ, क्योंकि 2-3 घंटे से चल रहा था ये सब। तो फिर मुझे रूम में ले गया, उन्होंने लिटाया, और फिर मेरे लिए कचौड़ियाँ बन के आई, गांव की कचौड़ियाँ, आप समझो इतनी मोटी कचौड़ियाँ, देसी घी लगा हुआ, और मुझे देसी घी पसंद नहीं है, पर भूख इतनी लगी थी कि मैंने वो खाई। और फिर मैंने कहा मैं जा रही हूँ सोने, मुझे प्लीज मत उठाना। तो सुनील आए, और सुनील ने बोला भी कि सर आराम करने दो और शाम को उठाएंगे। दिन हो चुका था, तो फिर मैं सो गई फाइनली। मैं सच बता नहीं सकती आपको कि वो कितना हैट्रिक दिन था। मुझे मजे भी आ रहे थे पर बॉडी जवाब दे रही थी, मैं बहुत थक चुकी थी, पर फिर भी मुझे इन सब चीजों में बहुत मजा आया। एज अ मुस्लिम गर्ल मैंने सोचा नहीं था कि ये सब होगा, बिकॉज जितना हमने टीवी में देख रखा होता है वो कलश गिराएंगे और अंदर हो जाएंगे, यही सब होगा, पर डिफरेंट चीजें हुई गाइज मेरे साथ, आपने जो फुटेज में देखी है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत इंजॉय किया, और मैं बहुत खुश हूँ
एक सनातनी से शादी करके कह सकते हैं मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला ये सारी चीजें। तो चलिए गाइस ये थी आज की वीडियो। यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि एक मुस्लिम लड़की ने जब एक सनातनी लड़के से शादी की तो यार मुझे अच्छा लगा कि उनकी फैमिली ने उनको इतनी ज्यादा इज्जत दी। ये नहीं है कि मुंह बनाया या फिर देख ही रहे थे हम कितना खुशी से उनका उन्होंने वेलकम किया, हर रस्मो रिवाज जो है उसको उन्होंने निभाया और उनका चीयर अप किया। जैसे कि ये चाची हैं उनकी तो वो उनको चीयर कर रहे थे कि यार यही जीते यही जीते, तो वो खुश हो रहे थे इस चीज से। और एज अ मुस्लिम गर्ल उनको ये फीलिंग, क्योंकि भाई उन्होंने ये कभी देखा नहीं था, उनके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो उनको ये बहुत एक अलग किस्म का ये लगा सीन और उनको तो बहुत ज्यादा खुशी थी क्योंकि उनकी अपनी मर्जी से शादी थी। तो जिसके साथ अपनी मर्जी से शादी हुई हो ना तो बंदा और भी ज्यादा खुश होता है। और अगर फैमिली अच्छी मिल जाए ना तो बंदे की ना किस्मत में जाग उठती है, ऐसा ही है ना। और इनके हस्बैंड कसम से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इनको कभी किसी की नजर ना लगे, लेकिन यार वाकई में इनके हस्बैंड अम्मी अच्छे हैं। इनकी इनके इनके साथ हर चीज डिस्कस करते हैं, हर बात इनके साथ शेयर करते हैं आपस में। मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इनमें दिखती भी है भाई कि वाकई में इनमें। कैसी लगी आपको वीडियो? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी जोड़ी है। हाँ जोड़ी अच्छी है और ये मतलब कि सब अच्छे हैं उसके लिए। हाँ फैमिली मेंबर भी अच्छे हैं उनका, अंडरस्टैंडिंग फैमिली बहुत ज्यादा। यार शायद वो किसी मुस्लिम से शादी करती तो इतनी खुश ना रह पाती, लेकिन उनसे शादी करके वो हद से ज्यादा भाई जो होता है ना इंसान खुश, वैसे ही वो खुश है। उनकी बेटी भी है और इतने साल हो गए हैं लेकिन उनका झगड़ा भी नहीं लगता कभी हुआ। हुआ तो होता होता तो सभी में है, लेकिन यार फिर भी प्यार जो होता है ना वो हावी हो जाना चाहिए। हाँ तो यार लग रहा पता चलता है यार, जैसे वो गाना गा रहे थे ना सुनील उनके लिए, वहीं से मुझे फीलिंग आ गई थी कि यार ये बंदा इनके साथ बड़ा प्यार, वरना कोई मर्द में किसी औरत के लिए गाना नहीं गाता, वो उसी के लिए गाता है जिससे उसको इश्क होता है। तो यार बड़ा मजा आया ये वीडियो देखकर। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और वीडियो।